अच्छा, अहान ने फाइनली जो कहा था कर दिखाया, 10 करोड़ रुपीज़ लेके आ रहे, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत मतलब सारी मुश्किलें एक कहते हैं कि ख़त्म हो गई हैं लाइफ से और थोड़ा रिलैक्स है माहौल और फाइनली सब कुछ जैसा सोचा था वैसा हो रहा है, तो यही सब है। लेकिन 10 करोड़ कमाना डिफ़िकल्ट कितना रहा? बहुत डिफ़िकल्ट रहा, हमें ऑल द वे टू वसई जाना था दो घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके हर रोज़ और फिर वापस 3 घंटे ट्रैवल करके, और बट सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे जो लोग थे तो हमने सिर्फ 15 to 20 जूनियर्स मंगवाए थे और जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो हमने उनको इंक्लूड कर लिया था अपने साथ और उनको डायरेक्शंस दी थी कि कैसे करना है और जो भी था वो सब नेचुरल था। मैं गला फाड़ फाड़ के असली में गा रहा था, एनर्जी थ्रो कर रहा था, वापस जो एनर्जी आ रही थी वो भी असली थी, तो सब बहुत रियल था। ओके, अगर इस सीन की बात करें तो यहाँ पे जब जेडी को पता चलता है कि शर्त पूरी हो गई है, वो बहुत गुस्से में आके बंदूक तक निकाल देते, तो उस बंदूक का निशाना कौन है? बंदूक का निशाना तो ऑब्वियसली आहान और पंक्ति है, क्योंकि उसको हजम नहीं होता। एक जब आप किसी चीज़ पे बहुत तुले रहते हैं तो वो एकदम से अगर आपका उल्टा पड़ जाए पूरा प्लान तो आपको हजम नहीं होता, तो इसलिए इंसान बहुत गलत चीज़ें कर देता है उसमें। इसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे? वो तो अब मैं अगर बता दूंगा तो फिर शो की मतलब आप देखोगे क्यों, वो तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट इतना मैं बता सकता हूँ कि जो भी जनरल आउटलाइन है हमारे शो का, जैसे एक हीरो है, एक विलन है, एक हीरोइन है, ये सब हो रहा है, ये सब पूरा चेंज होने वाला है, पूरा आउटलाइन चेंज होने वाला है एंड 2018 विल ब्रिंग अ न्यू शेड ऑफ द शो ऑन स्क्रीन। थैंक यू।